तो हेलो गाइस, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ। तो आज हम खेलने वाले अमंग अस गेम। ये सीरियसली बहुत पॉपुलर गेम है, आप सबने कभी ना कभी तो खेली होगी। तो आज हम ये खेलने वाले हैं। बाय द वे बता देना मेरे करेक्टर कैसा लग रहा है। मैंने अभी रिसेंटली इस गेम को डाउनलोड किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर ली हैं और इसे खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो हम हैं इम्पोस्टर और ये दो लोग हमारे साथ हो रहे हैं और हम शेप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये शेप शिफ्टिंग वाला फीचर मुझे बहुत पसंद है कि किसी को पता ही चलता कि किसने मारा है और हम मार के चले जाते हैं। तो अगर आपने ये वाला प्रोग्राम इसमें नहीं देखा है तो मैं आज इस वीडियो में आपको फुल गेम प्ले दिखाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो आज मैं यहाँ पे ना एक्टिंग कर रही हूँ कि ना क्या हो क्या रहा है यार, इतने सारे लोग इधर आ गए थे तो इसलिए मैं इधर वेट कर रही थी कोई होएगा तो उसको वहीं टपका देंगे। तो यहाँ पर ना सारे चले गए कि किसी के सामने मारेंगे तो किसी को पता चल जाएगा। इन्होंने लॉक कर दिया हम सबको यहीं पे और ये दो है हमारे सामने। अगर एक होता ना मैं पक्का मार देती हूँ इसको। तो यार अभी तक किसी ने लगता है किसी को मारा नहीं है। तो हमने शेप शिफ्टिंग कर ली है इस वाली गर्ल के साथ। ये वाला करेक्टर मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लगा तो फिर मैंने और एक बंदे को मार डाला है। तो आप चलते हैं किसी और जगह। यार ये तो वही करेक्टर है जिसका मैंने शेप शिफ्टिंग करी है और वो यहाँ घूम रही है। मतलब अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो पहचान जाएगी शायद। ओह नो, इसने मुझे शेप शिफ्टिंग करते हुए देख लिया बट इन्होंने हमें लॉक कर दिया तो अब मेरे को उसको मारना पड़ेगा। आज तेरे को जन्नत दिखाते हम जैसे 1 सेकंड बचा था उसी टाइम मीटिंग हो गई। तो गाइस अब हमें करना है हु इज द इम्पोस्टर। अब हम किसको वोट दें यार, कुछ समझ नहीं आता इन सब लोगों ने। किसी ने मतलब कि अच्छी बात है मेरा नाम नहीं लिया बट ये ले रही है जिसका मैंने बदला था और दो लोगों ने मेरे को वोट भी किया बट आई एम सेफ क्योंकि मैं नहीं टपकी। ये मर गया बेचारा, ये इम्पोस्टर नहीं था क्योंकि हम थे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं किसकी बारी आई है। तो यार इम्पोस्टर में तो मतलब कि हम ग्रैनी में इतनी बार हार चुके हैं बट नेवर माइंड, मैं इसमें कभी भी नहीं हारती हूँ एज ए इम्पोस्टर और एज ए क्रूमेट। तो बता देना अगर आपको इसका गेम प्ले एक और बार चाहिए एज ए क्रूमेट क्योंकि इसमें इम्पोस्टर थे। तो अब हम किसको मारें यार, मेरे को लगा इसको मार दो बट ये तो खुद ही इम्पोस्टर था तो मैंने इसके सामने किसी को मार दिया। और यहाँ से हम मेडले में आ गए। मैं इसको भी मारना चाह रही थी बट यार पता नहीं इतनी जल्दी इनको कैसे दिख जाता है, ढंग से खेलने नहीं देते हैं। पता है आधे से ज़्यादा लोग तो मीटिंग में ही मर जाते हैं। तो यार अब हम बनेंगे बहुत इनोसेंट और हम लोगों से पूछेंगे बॉडी कहाँ थी, इसे हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने मारा था। तो फिर इन लोगों को ना एक बंदे पर शक हो रहा था, वो इम्पोस्टर ही था बट फिर भी जो बच गया मैंने इसको वोट दे दिया। मेरे को नहीं पता किसको वोट दूँ और मैंने ऐसे किसको वोट दे दिया। और बट इम्पोस्टर में से कोई भी नहीं मारा गया या बच गया, किसी और को वोट दे दिया लोगों ने। तो अब हम किसी और को मारने के लिए चलते हैं और अब हमने शेप शिफ्टिंग कर ली है इस बंदे के साथ और अब देखते हैं किसको मारा जाए। पहले मैं सोच रही थी उसी लड़की के साथ शेप शिफ्टिंग कर लूँ, इस बार मैंने शेप शिफ्ट करा बट यार गलती से मैंने अनशिफ्ट भी कर लिया था। और अब मैं इस ग्रीन वाले के पीछे भाग रही थी और उसे मार डाला और हम जीत। तो बता देना आपको ये गेम कैसी लगी और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।